पिछली क्लास में सबसे पहले हमने क्या सीखा था? पहला टॉपिक था हमारा गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। दशमलव संख्याओं को, दशमलव को हम चेंज करते हैं भिन्न में, ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल हम सबका देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूं, लेट से मैंने बोला कि 1.5 को, मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग मैम। कोई प्रॉब्लम है नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चों को, बाकियों का आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है तो बताइए। यस मैम, यस मैम। जिसको नहीं आ रही, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि बीच में ना क्लास लीव करके रीज्वाइन कर लो, आ जाती है आवाज और स्क्रीन भी। ठीक, ओके। हाँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1.5 को आपने भिन्न में लिखना है, ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि दशमलव के बाद सिंगल करते हैं। यस, जितने अंक होते हैं नीचे उतने शून्य लग जाते हैं एक के बाद। तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, एक अंक है, दशमलव हटाया नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक ही संख्या है, तो नीचे एक के बाद एक शून्य। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे जहां तक कट रहा है उसे काटो, सिंप्लीफाई करो, सरलतम रूप। 5 3 15, 5 2 10, ये है इसका प्रॉपर आंसर, 3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन किया था हमने पिछली क्लास में, 6.8 को हमने जब चेंज करना था, ये हमारा पोल में क्वेश्चन था, ठीक है, 6.8 को। इसको भी सेम ऐसी, क्योंकि एक ही अंक है तो इसलिए नीचे 10 आएगा। बाकी बच्चों ने यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो गलत काफी बच्चों ने किया था, दोबारा देख लो। फिर जो संख्या आपस में कट रही है काटो, 2 से कट रहा है ना, 2 5 10, 2 2 3 6, 2 4 8, इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो 34/5 इसका उत्तर था। ठीक है, सरलतम रूप तक हम लेके जाते हैं उसको, जहां तक वो कट सके संख्याएं। क्लियर हुआ सभी को? जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनका भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैंने करवाया था पिछली क्लास। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव, ठीक है, जोड़ और घटाव हमने देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसका भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे किया था हमने, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, पहले एडिशन का देख लेते हैं, जोड़ का। मान लो मैं आपसे बोलूं 711.455 में मैंने जोड़ना है 32.3, ठीक है, ये मैंने जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले बड़ी संख्या दे रखी है ना उसको लिख लो, ठीक है, 711.455 बड़ी संख्या है, लिख लिया। दूसरे इस वाले को कैसे करना है, जो मुझे ज्यादा इजी लगता है, मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ। यस रिया, वेरी गुड बेटा। मैं कैसे प्रेफर करती हूँ कि मैं दशमलव से पहले वाली संख्या, दशमलव लगा दो, दशमलव से पहले वाली संख्या दशमलव से पहले लिख देती हूँ। उससे पहले 3 है जो 1 के नीचे आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर आपको दिख रहा है यहाँ 3 के बाद तो संख्या ही नहीं है, कैसे पूरा होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, 0 हम कितने भी ऐड कर सकते हैं संख्याओं के बाद, कितने भी चाहो, क्योंकि इससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 0 यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर आप ऐड कर दो सिंपल सा, 5 5 4 3 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 और 1 3 3 और 1 4 7, 743.755, ठीक है, 743.755 इसका उत्तर है, ठीक है। तो ये तो हो गया जोड़ का। तो जोड़ में ना ज्यादातर प्रॉब्लम आती नहीं है, वैसे घटाव में भी नहीं आएगी अगर आपको नंबर्स लिखना आता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक घटा का भी देख लेते हैं हम, तो हो गया जोड़ का।
माइनस का क्वेश्चन देख लो। आठ सौ एक में से 109 में से आपने घटाना है 304 3042.3। तो आपको पता है सबसे पहले बड़ी संख्या वो लिख लो, मैंने उल्टा लिख दिया ना ये, तो ऐसे कर लो। वो लिख लीजिए 30.404। ठीक है, तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी तो यही संख्या है, इसको लिख लो। सेम वही तरीका जो मैंने आपसे बोला, दशमलव से पहले वाला, दशमलव के नीचे दशमलव, उससे पहले शून्य है, उससे पहले तीन है, दशमलव के बाद है 404। करेक्ट, आगे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर आप कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ जीरो और लगा सकते हैं ताकि सारे संख्याएं बराबर हो जाए। नौ में से चार जाएंगे, क्या आएगा? पांच। शून्य में से शून्य, जीरो। एक में से चार जाता नहीं है, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ठीक है, हाथ से ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 11 में से 4 घटा दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ शून्य हो गया, शून्य में से शून्य, यहाँ से एक ले लिया ना, शून्य हो गया। ठीक है, यहाँ से एक हाथ ले दिया, 10 में से 3 जाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 7, यही आएगा आंसर। जो बच्चे अपनी कॉपी में कर रहे हैं सभी का यही आया है, 770.805। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। सात आएगा, या आठ की जगह ना सात आएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये चीज? Yes, कैसे करते हैं हम जोड़ और घटा? Yes. तो अब एक क्वेश्चन आएगा आपका पोल में एडिशन का, जोड़ का। तो सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? Yes, पिछले क्लास में ली थी, उनका भी रिवाइज हो चुका है। चलिए मैं क्वेश्चन दे देती हूँ पोल में। एक मिनट बेटा, स्क्रीन गायब हो गई, कोई बच्चा क्लास से जाना मत, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताना है स्क्रीन दिख रही है या नहीं। स्क्रीन आ गई होगी सबको? यस मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम आ गई। यस मैम आ गई। क्या आवाज नहीं आ रही? क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, जब तक मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी आपको। क्वेश्चन समझ लो, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, समझ लो। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, तो क्या करता है, वो पहले 2.23 किलोमीटर वो चलता है गाड़ी लेके, फिर कितना चलता है उसके बाद, वो 47.1165 किलोमीटर उसके बाद चलता है। ठीक है, तो उसने टोटल कुल कितनी दूरी क्या ट्रेवल करी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना की है, पहले वो इतना चलता है गाड़ी से, दूसरे में इतना चलता है गाड़ी से। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ, फिर सभी को क्लियर है ना क्या करना है क्वेश्चन में? यस मैम। हाँ मैम, इसमें प्लस करना है ना बेटा? ये तो मैं नहीं बताऊंगी, उसने कुल बोला है बेटा, पहले वो इतना डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, इतनी दूरी चल रहा है, दूसरे फिर इतनी दूरी चल रहा है, तो टोटल कितनी चलेगा वो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, अंकित के नाम से बच्चा है, करेक्ट, बढ़िया। ठीक है, ठीक बेटा, क्वेश्चन इजी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी दिखाना, ठीक है, ऐसे भी कर लो, इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है, तो मुझे चेक करना है बिना कॉपी दिखाए आप लोग कितना सही करते हैं।
वेरी गुड, आठ बच्चों ने आंसर कर दिया, आठ का ठीक है, एकदम करेक्ट। बढ़िया करते जाइए, बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी किसी भी बच्चे का गलत नहीं है, सभी एकदम करेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे बेटा, मैंने क्या नोटिस करा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दो तीन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बाकियों का करते ही नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, चाहे आपको आता हो नहीं आता, जो लग रहा है वो करो पोल में। वेरी गुड, बिना कॉपी दिखाए भी आप लोग काफी सही कर रहे हैं, बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही बेटा, 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे पोल में करिए बेटा, सिर्फ 25 बच्चों ने किया है, सभी का आंसर आना चाहिए पोल में। बार बार बोल रही हूँ क्लास में, जब 38 स्टूडेंट्स है तो सिर्फ 25 बच्चे करें, मतलब 15 बच्चे नहीं कर रहे हैं। बढ़िया, ग्रेट। चलिए, तो आपको साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने जोड़ना है, तो टोटल डिस्टेंस पूछी है ना, कुल कितनी दूरी क्या करी, ट्रैवल करी उसने, तो पहले वो 2.23 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा इजी पड़ेगा, मैं दूसरे वाला पहले लिख लू, इतना भी चला और उससे पहले वो इतना दूरी चला, 2.23 किलोमीटर, जोड़ दो, शून्य लगा दो, सिंपल। 6 और 3 9, 2 और 1 3, 7 2 9, 4 का जगह 4, तो कितने किलोमीटर चला वो, 49.395 किलोमीटर, सी इसका सही आंसर है। काफी बच्चों ने इसका आंसर सही किया था, और अभी भी कुछ बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, सभी को करना है, सभी को क्लियर हो गया। दो तीन बच्चों का गलत था बेटा, तो दो बच्चों का गलत था, ये समझ में आ गया सभी को, सिंपल ऐड करने का क्वेश्चन था, शामिल। एक क्वेश्चन माइनस का करें, इसके बाद एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है, रेडी है? यस मैम। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया था माइनस, तो बता दो, मैं एक और क्वेश्चन करवा के फिर पोल में दूंगी। आ गया है, ठीक है। बयासी पॉइंट 82.4 में से घटाना है 7.81, 82.4 में से माइनस करो 7.81, ज्यादा बड़े संख्या नहीं है, कीजिए।
बेटा आराम से करो, इतनी जल्दीबाजी में नहीं कि आंसर गलत हो जाए, प्रॉपर टाइम मिलता है आपको। ये सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका। सॉरी मैम, वो गलती से हो गया था, अभी हमने डी दबा दिया गलती से। एक बच्चे का गलत हो चुका है पोरी में, आप ही हो वो। सॉरी मैम, गलती से क्लिक हो गया था। एक तो ये जल्दीबाजी में ही तो होता है, आपको लगता है बार आप सर सीक्वेंस में लिख के दिखा दो। ठीक है। वेरी गुड सानिया, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल आराम से करो, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा ये भी। क्या एक बार सीक्वेंस में लिख दो आप इसको, बेटा? एक बार सीक्वेंस में लिख दो इस क्वेश्चन। बेटा सीक्वेंस में ही है, बड़ा संख्या पहले है, छोटी संख्या बाद में है। अब मैं ये नहीं लिखूंगी कि किसके नीचे क्या आएगा, वही तो सिखाया मैंने अभी, वो आपको करना है। सीक्वेंस में पहले से है, बट कौन सी संख्या के नीचे क्या आएगा वो आप ही लिखेंगे। हाँ कॉपी मुझे दिखा दो, वहां मैं बता दूंगी क्या मिस्टेक है। कॉपी सीधी करो बेटा, कौन सी कॉपी बनाई है ये, सीधी करिए सीधी। हाँ ठीक ठीक तो लिखा है, ठीक है। अब जहां आपको जीरो की जरूरत है वहां जीरो लगा सकते हो संख्या के बाद, जो मैंने आपको सिखाया था। यस चंचल बेटा करेक्ट है आपका, बढ़िया। तो काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी करिए। हो गया, हो गया यस मैम। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ 24 ही बच्चों ने आंसर करा है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, क्लास में 40 बच्चे हैं, आधे आधे बच्चे आंसर कर रहे हैं सिर्फ, सभी का पोल में आना चाहिए। और इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्यों? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, सिर्फ इतने कम बच्चे आंसर क्यों कर रहे हैं बेटा पोल में? ऐसा है कि 20 बच्चों का पोल का ऑप्शन नहीं आते, तो इम्पॉसिबल है ना। आखिरी के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 कीजिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर। बहुत कम बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आके बैठ जाते हैं। ठीक वेरी गुड। देखो आपको साफ पता है ये बड़ी संख्या है, दोनों में से घटाने के लिए बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, ठीक है? उसके नीचे छोटी संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 7 है तो 7 लिख दिया, उसके बाद 8 है, उसके बाद 1 है। आपको माइनस करना है, मैंने क्या बोला ऊपर, आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, 4 के बाद 0 लगा दो, इजी पड़ेगा, ठीक है? 10 में से
एक घटाया 9 आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ से लिया, इसने ऑलरेडी दे दिया था तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे, 5 आएगा दशमलव के नीचे, दशमलव यहाँ से ये इसको देगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 7 जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 4 आएगा और ये 7 बजेगा, 74.59, 74.59। सी इसका सही आंसर था, फिर भी पोल में 3 बच्चों ने गलत किया है। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लो। ओके मैम। गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझो सभी, लास्ट क्वेश्चन है ये, माइनस का मल्टीप्लाई शुरू का। क्या बोल रहा है? एक लड़का है रमेश, ठीक है, वो बाजार गया, बाजार गया वो सामान खरीदने के लिए सब्जियां, ठीक है, उसने क्या करा, 7 रुपए 75 पैसे के तो उसने आलू खरीद लिए, ठीक है, पोटैटो खरीदे उसने कितने रुपए के, 7.75 रुपीज के, ठीक है, फिर उसने गोभी ली, कैबेज खरीदा उसने कितने का खरीदा, 4 रुपए 50 पैसे का गोभी खरीद ली, फिर उसने धनिया खरीदा कोरिएंडर कितने का खरीदा, 25 पैसे का, 0.25 मतलब 25 पैसे का, ठीक है, आप उसके पास टोटल कितने पैसे थे, अब वो अपने पास ना 15 रुपए लेके गया था और 15 रुपए में उसने ये तीनों चीजें खरीद ली, तो आपके पास, अब उसने पूछा है कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कितने पैसे बचे, क्वेश्चन क्लियर हुआ? 15 रुपए वो मार्केट लेके गया, 15 रुपए में से उसने आलू भी खरीदी, गोभी भी खरीदा, धनिया खरीदा, इतने इतने रुपए का, तो कितने पैसे उसके पास अब बचेंगे इतनी चीजें खरीदने के बाद, क्वेश्चन क्लियर सभी को? तो पोल में करिए आंसर, और कोई बच्चा जिसको ना क्लियर हो तो पूछिए। ऐसे करे कैसे, समझ नहीं आ रहा। देखो आप मार्केट गए, आप इमेजिन करो, आपको मम्मी ने 15 रुपए दिए और बोला कि आलू गोभी और धनिया लेके आना, आप लेके गए 15 रुपए, आपने आलू खरीदे 7 रुपए 75 पैसे के, फिर गोभी खरीदी 4 रुपए 50 पैसे की, फिर धनिया खरीदा 25 पैसे का, तो आप दुकानदार को मान लो ये तीनों चीजें आपने एक ही शॉप से खरीदी, आपने उसे 15 रुपए दे दिए, आपके पास कितने पैसे बचेंगे इतना सामान खरीदने के बाद, अभी समझ में आया? यस मैम। नो मैम। नहीं आ रहा बेटा, आप दुकान पे गए ना 15 रुपए लेके, आपने एक ही दुकान से आलू गोभी और धनिया खरीद लिया इतने इतने रुपए का, अब दुकानदार को आपने 15 के 15 रुपए पकड़ा दिया, वो कितने पैसे आपको वापस करेगा, ये पूछा उसने, ठीक है? ओके मैम। अभी भी नहीं आया समझ में? नो मैम। बेटा ये तो देखो, आप दुकान पे गए, ठीक है, 15 रुपए लेके गए, 15 रुपए के, ठीक है बेटा सरवन के नाम से बचा, करेक्ट है आपका, आप 15 रुपए लेके गए दुकान में और आपने आलू गोभी और धनिया खरीद लिया, 15 रुपए दे दिए उसे, और इतने इतने रुपए का वो आया, गोभी गोभी आई 4 रुपए 50 पैसे की, आलू इतने का, धनिया 25 पैसे का, तो वो दुकान वाला कितने पैसे वापस करेगा, 15 रुपए तो आपने दे दिए और उसे तीन चीजें खरीद ली इतने रुपए की, तो आपको वो पैसे भी तो रिटर्न करेगा ना, कुछ कितने पैसे वापस देगा वो आपको, अभी आया समझ में? आप दुकान में जाते हो ना कभी, मान लो अपने स्कूल की कॉपी पेन या कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आपको मम्मी ने 15 रुपए दे दिए, इमेजिन कर लो कॉपी इतने की आई, पेन इतने का आया और एक चार्ट पेपर खरीद लिया, तो दुकान वाला कितने पैसे आपको वापस करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन चीजें खरीदी आपने और उसे 15 रुपए दे दिए, कितने पैसे बचेंगे बेटा? यस मोंटी के नाम से जो बच्चा, बेटा क्या ऐसा लग रहा है? नो बेटा, मोंटी के नाम से जो बच्चा आंसर में,
गड़बड़ कर रहे हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है ना, आप क्या कर रहे हो देखो जरा, टोटल सही किया आपने। ओ मैम सॉरी मैम सॉरी। कीजिए मीनाक्षी के नाम से जो बच्ची है बेटा, क्या है आपका? ठीक है, फाइनल आंसर क्या है? आपकी कॉपी ढंग से शो नहीं हो पा रही बेटा। आपने ना जोड़ा गलत है, आंसर मुझे नहीं पता, आंसर सही आ रहा है आपका? नहीं नहीं ठीक है, एकदम सही है, यस मीनाक्षी के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका, गुड। अब बेटा मोंटी के नाम से जो बच्चा है आपने जोड़ा गलत है, जोड़ना भी देख लेना, जोड़ा भी गलत है आपने। ओके मैम ओके मैम ओके वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, गुड। जिसको कोई भी डाउट हो रहा है कॉपी मुझे दिखा दो, मैं देख लूंगी किस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो ये वाला। मैम जी मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। बेटा अगर मैं और इससे ज्यादा डिटेल बताऊंगी आपको तो फिर मैं क्वेश्चन ही बता दूंगी। एक काम करो, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना करो, कॉपी में कर लो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी समझ में ना आए। मैम थोड़ा बहुत आ रहा है फिर आंसर निकल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हमें भी समझ में नहीं आ रहा ये। ठीक है बेटा अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखो मैंने जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती थी उतना मैंने किया, अगर इससे ज्यादा डिटेल में करूंगी तो वो एक तरह से सॉल्यूशन बताना हो गया जो कि मुझे करना नहीं है। एक और बार समझा देती हूँ फिर से समझ लो, ठीक है? आप मार्केट गए, ठीक है, आपके पास 15 रुपए थे, 15 रुपए टोटल आपके पास थे, आपने क्या किया उस 15 रुपए से? आलू खरीद लिए, पहले आलू खरीदे उसमें से 7 रुपए 75 पैसे से, एक ही दुकान में थे आलू भी गोभी और धनिया, फिर आपने उससे बोला गोभी भी दे दो, तो गोभी आपने खरीदी 4 रुपए 50 पैसे की, फिर आपने बोला धनिया भी दे दो, धनिया आपने खरीदी 25 पैसे की, आपने दुकानदार को 15 रुपए दे दिए, अब दुकान वाला आपके पास वो कितने पैसे वापस करेगा, कितने रुपए बचेंगे आपके पास? समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा अभी भी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ यस शिवानी बेटा, क्या आंसर आया? वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर आया, बढ़िया। अभी समझ में आया दीपेंद्र के नाम से जो बच्ची है बेटा, बताओ। मैम मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद क्या करूँगा आगे का समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे करिए जिनको आ गया समझ, पोल में 18 ही बच्चों का आंसर आया अभी। और बाकी बच्चे वेट करो जिनको समझ में नहीं आ रहा। यस हिमांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका, बढ़िया गुड, बहुत बढ़िया। हमने गलत आंसर भर दिया मैम। अब मेरा ऐसे आ रहा है मोंटी के नाम से, हाँ अब ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस कर दिया इधर, बढ़िया आप करेक्ट है, वेरी गुड। हमने गलत आंसर भर दिया। चलिए कर लिया बेटा पोल में, बहुत टाइम लग रहा है, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, लास्ट के 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन का काफी कम बच्चों ने पोल में आंसर किया है, और 7 बच्चों ने गलत आंसर किया है इसका पोल में। चलो
ठीक है, एक मिनट के लिए मैं डैट सेक्शन बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहले आपको ये तो पता चले कि आपने तीनों तरह की जो चीजें हैं ये कितने रुपए में खरीदी, टोटल कितने के खरीदा आपने। आपने तीनों सब्जियों को जोड़ दिया, आलू गोभी धनिया, पांच और पांच आलू गोभी धनिया, एक पांच और पांच सात मैम 12.25 खरीदे, पांच छह सात, सात चौदह और एक 15, एक आएगा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपकी तीनों चीजें 12.50 रुपए की आई। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? दीपेंद्र के नाम से बच्चा है, क्लियर अभी? यस मैम। सबसे पहला स्टेप तो यही करना है कि भाई तीनों चीजें आई कितने की। अब मैंने उस दुकान वाले को दे दिए 15 रुपए जो मेरे पास थे। अब मेरे पास बचेंगे कितने, मुझे कितने वापस करेगा जब मैं उसे, वो क्या करेगा? जितने की मैंने सब्जी खरीदी उसके पैसे काट के वापस देगा ना? ऐसा तो नहीं है 15 के 15 रुपए मुझे वापस कर दे। जितने की मैं सब्जी खरीदूंगी उतना ही तो फिर बच के मुझे वापस करेगा। बस घटाना था टोटल में से 15 में से जितने की आपने खरीदा सामान। ठीक है, यहाँ से हासिल किया 10 में से 5 जाएंगे, 5 4 में से 2 जाएंगे, 2 2.5 रुपए आपके पास वापस। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था ये? मैम जो इजी होता है वो जल्दी से मेरे को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया था। यही तो करते हो, मार्केट जाते हो आप, उतने ही पैसे तो वापस लाते हो जितने की सब्जी खरीदते हो। बच 100 रुपए दिए, 80 रुपए की सब्जी खरीदे तो 20 रुपए तो वापस मिलेंगे। घटाना था, जोड़ के फिर घटाना है। ठीक है, अब बताओ चैट सेक्शन में मुझे कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया अभी भी। माइक ऑन करके भी बता दूं अगर नहीं समझ में आया। वेरी गुड, आगे बढ़िए। मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है हमारा अगला। मैम हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है बेटा, ये तो प्रॉब्लम, मुझे ये एक्सक्यूज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्लास कब, एक हफ्ते की क्लास होती है, आपको अपनी बैटरी चार्ज रखनी चाहिए फोन पे। देखो कैसे करते हैं, आपको ना कुछ नहीं करना, 2.2 को आपको 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल आपको देखना ही नहीं है। मैम आप मैं जाओगी किसी के आगे? मैं बोल रही हूँ मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ओके बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आप वीडियो देख लेना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना आगे से कि ऐसा ना हो। मैम आपको क्या करना है, आपको दशमलव पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सिंपल ऐसे मान लो 22 और 13 को गुणा करना है। सिंपल 22 और 13 को गुणा कर लो, कर सकते हो? तो बहुत इजी है। 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 1 दुनी 2, 1 दुनी 2, जोड़ लो। अब लगाओ डेसिमल, कहाँ था? 3 से पहले था, 2 से पहले। अब डेसिमल या दशमलव कैसे लगता है आपको काउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से पहले, यहाँ 1 से पहले, तो टोटल 2 से पहले हो गया ना, 1 संख्या 2 संख्या, 2 से पहले, तो यहाँ पे भी लास्ट से 2 से पहले दशमलव लग जाएगा। 2.86, वेरी गुड रिया, क्लियर हुआ कैसे करना है? मल्टीप्लाई में हम लास्ट से देखते हैं और जोड़ते हैं, मतलब काउंट करते हैं कितनी संख्या से पहले दशमलव है। 1 2, ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ दशमलव कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो छोड़ो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर मान लीजिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 0.03 से, मैंने मल्टीप्लाई किया 23.4। देखो डायरेक्ट मैं आंसर लिख के बता रही हूँ, आंसर आया इसका ये। ठीक है, अब दशमलव कैसे लगाना है,
यहाँ पे एक से पहले, यहाँ दो से पहले, एक दो तीन, तीन हो गए ना टोटल, ऐड करना होता है नीचे एक संख्या ऊपर दो संख्याओं से पहले, तो एक दो जीरो तीन से पॉइंट पहले, तो लास्ट सेवन से तीन से जीरो पहले, टू तो यहाँ इसका दशमलव लग जाएगा। यस वेरी गुड बेटा, फन क्लियर हो गया? क्योंकि कुछ बच्चों को हो मैम। सकता है इस चीज में कंफ्यूजन हो, और हो भी सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, हो सकती है। अब बताओ मुझे बेटा, क्लियर हो गया कैसे हम डेसिमल लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं? नहीं मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। आया कोई बात नहीं, देखो मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला 0.03 को मल्टीप्लाई करो 23.4 से, तो आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ इसका, मल्टीप्लाई करके आया ये। अब मुझे आंसर में भी तो दशमलव लगाना, नीचे वाले को देखो यहाँ पे कितने अंक से पहले दशमलव है, लास्ट से देखना, लास्ट से कितने अंक से पहले दशमलव है, चार से पहले है ना, चार मतलब वो एक अंक है, एक अंक से पहले दशमलव, ऊपर कितने अंक से पहले दशमलव है, दो है तो ना, दो, दो और तीन को जोड़ दो, दो और एक को जोड़ दो, टोटल तीन हो गए, तो लास्ट से भी यहाँ तीन से पहले लग जाए, ठीक है? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही दिखाया गया है, इस वाले को करिए मल्टीप्लाई, दशमलव बिल्कुल एंड में लगाना, यहाँ पे हम ऐसे नहीं देखते कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होगा, बस डिजिट देखो आप, ऐसे नहीं करना कि मैं यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ये गलत तरीका है, वो हम जोड़ और घटा में करते हैं, यहाँ नहीं करना, यहाँ अंक के नीचे जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। कीजिए, चलो मैं करती हूँ, 7 6 42 कैरी 4, 6 5 30, 30 4 34, 8 3 हासिल, 6 3 18, 18 और 3 19 20 21, एक को 7 से गुणा किया 7, एक को 5 से गुणा किया 5, फाइव एक को पॉइंट 6, सेवन वन टू यस 7 8 9 10 11, 5 6 7, ठीक है ये आया। अब मुझे दशमलव लगाना है, सेम वही, नीचे यहाँ एक से पहले है, ऊपर बात यहाँ दो से पहले है, दोनों को जोड़ दिया 3, 3 से पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ आएगा फाइव दशमलव, पॉइंट लास्ट से लगाना सेवन है, वन टू ठीक है लास्ट से ऐड करना है, ऐसा मत कर देना आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो यहाँ लगा दो, गलत होगा, लास्ट से देखते हैं, इस तरफ उल्टा जाना है, सभी को समझ में आया ये? मल्टीप्लाई मैम, करिए एक और सभी, करवा दो मैम, एक और बार समझा दूँ, पोल में करवा दो। हाँ पोल में दे रही हूँ, देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो और दशमलव के लिए ऐड कर दो, सभी को समझ में आया तो बताइए, मैं क्वेश्चन पोल में देती हूँ। आ गया मैम, आ गया। चलिए क्वेश्चन देती हूँ पोल में, क्वेश्चन है सिंपल सा, 5.13 में मल्टीप्लाई करनी है 13.6, दशमलव का ध्यान नहीं देना, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दशमलव लगाओ लास्ट में लगाओ, कीजिए पोल में आंसर। मैम हो गया। हो गया, देखो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके सारे आसपास ही एक जैसे ही है, तो ध्यान से मैम लगाना पोल में आंसर सभी, और जिसको लग रहा है कुछ गलती कर सकता है वो मुझे कॉपी शो कर दो, जहां पे भी आपको लगता है।
और सरवन कुमार के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा आपका। ठीक है, तो लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो सकती है, मुझे कॉपी दिखाती है। शिवानी बेटा, बेटा क्या लिखा है आपने? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी सभी का पोल में सही है। यस, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा आपका। वेरी गुड, बढ़िया। क्लास लीव करके अभी मत जाओ बेटा, क्लास खत्म होने में टाइम है अभी। इट्स वेरी गुड, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि आंसर्स आसपास ही है सारे, कंफ्यूज मत हो जाना, गलत मत लगा देना। ये सानिया बेटा करेक्ट है। एक मिनट बेटा, सानिया दोबारा दिखाना कॉपी। ठीक है, ठीक है, आखिरी की 5 सेकेंड। सॉरी, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। 5 बच्चों ने फिर भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मुझे बता दो, जिसको भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिए ना, आप बताते भी नहीं है, नहीं समझ में आता तो। चलिए चैट सेक्शन फिलहाल ऑफ कर रही हूँ, सभी यहाँ ध्यान देंगे। 5.13 में आपने 13.6 की मल्टीप्लाई करनी। मैंने कहा डेसिमल पे ध्यान मत दो, सिर्फ उतारो संख्या। 6 3 18, 6 6 5 30, 3 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 1 3 3, 1 1, 1 5 5, जोड़ दो 8, 7 8, 9 छ, 1 हासिल, 6 1 7, 5 3 8, 1 9, 5 और 1 6। अब मुझे देखना है यहाँ पे एक संख्या से पहले या दो संख्या से पहले, टोटल 3 संख्या से पहले लगना है, मतलब यहाँ से जाऊंगी तो उधर लगेगा। 69.768 बी इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? बी इसका करेक्ट आंसर। चैट सेक्शन में बताइए, क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, जो 5 बच्चों ने गलत किया है पोल में, वो मुझे बताओ, क्लियर हुआ? गलती नहीं करनी बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा आप उसी टाइम पूछ लो, पर गलत मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। डिवाइड तो हमने सीखना, आई गेस मैंने मल्टीप्लाई भी आपको बताया था। मान लीजिए मुझे ना इसको 100 से गुणा करना है, तो इसको ना, इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं देखो, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि मैं 100 से गुणा करूं, फिर इतना लंबा प्रोसीजर ना, ये नहीं करना, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए इसको। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो दशमलव किस तरफ को खिसकता है? दाईं तरफ को। भाग करने में दशमलव बाईं तरफ को जाता था और गुणा करने में दशमलव दाईं तरफ को जाएगा। पहले ये संख्या जो दे रखी है ऐसी उतार लो, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो दशमलव 2 अंक आगे खिसकेगा, 2 अंक आगे खिसकेगा, यहाँ पे इस तरफ को जाना है इसमें 2 अंक। अब यहाँ पे एक ही अंक है, एक अंक लगाने बढ़ाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो
खिसक गया, एक दो मतलब दशमलव यहाँ जाएगा, 1350.0 या सिंपल इसका आंसर 1350 आएगा। समझ में आया सभी को? ये सेम डिवाइड है, पर डिवाइड में पीछे साइड को जाता है, मल्टीप्लाई में आगे साइड को जाता है। एक और करवाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने 6.8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 10 से गुणा करना है। पहले वही उतार लो संख्या, यहाँ पे एक शून्य है, एक ही जीरो है, तो संख्या एक अंक सॉरी दशमलव एक अंक पहले खिसकेगा, आगे को जाएगा, एक अंक तो है दशमलव के बाद, तो दशमलव यहाँ चले जाएगा, मतलब 68.0 या 68 इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? डायरेक्ट yes, कैसे करते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अगर अंक नहीं है तो जीरो ऐड कर दो जैसे हम करते थे, और अंक है तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? रिपीट कर दूं एक और बार? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 18.5 को मैंने गुणा करना है 1000 से या 100 से करना है, तो आपको क्या करना है, पहले संख्या ऐसी की ऐसी उतार दो। अब दो जीरो है तो दशमलव दो अंक आगे खिसकेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो दशमलव के बाद वाली संख्या से दो आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या है, दूसरी संख्या एक और चाहिए, तो जीरो ऐड कर दिया, एक दो, तो जीरो के बाद लग जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक शिवानी, क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन देती हूँ मैम आपको, पोल में सेम ऐसी, करिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन 77, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे बोल रहे। वेरी गुड, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट बताया ना मैंने आपको, बढ़िया। फिर भी गड़बड़ हो रही है बेटा, दशमलव आगे तरफ को खिसकाना है, दाई तरफ को आप बाई तरफ को क्यों ले जा रहे हो? कुछ बच्चे बाई तरफ को ले जा रहे हैं, दाई तरफ को ले जा रहे हैं ना दशमलव, क्या कर रहे हैं? 8 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। सरवन कुमार के नाम से भी बच्चा है बेटा, गलत है आपका, गलत हो रहा है बेटा, दोबारा देखो, 3 0 है तो 3 अंक आगे खिसकाना है। नो बेटा सानिया, गलत, रॉन्ग है। शिवानी बेटा करेक्ट, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। सरवन कुमार के नाम से भी बच्चे, यस दीपेंद्र के नाम से भी बच्चा है बेटा, गलत, एकदम रॉन्ग। आपको 3 0 नहीं नजर आ रहे क्या? 3 अंक आगे खिसकाना है ना, आप 2 अंक आगे क्यों खिसका रहे हैं? 3 अंक आगे खिसकाना है बेटा, 20 में से 7 बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन, और 20 में से सिर्फ 7 बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। नो बेटा सरवन कुमार के नाम हो गया, यस 21 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन और आप लोग क्या कर रहे हैं ये? आखिरी के 5 सेकंड्स और,
5, 4, 3, 2, 1. बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चैट सेक्शन में भी मत करो, मेरा आंसर देखो पहले। तो क्या मतलब, अभी तो करवाया मैंने इससे पहले, या तो मैंने आपको इस तरह का एग्जाम्पल नहीं करवाया होता। मैंने क्या बताया, जब भी हम गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ भी सकता है। कुछ बच्चे डी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, डी पे तो मैक्सिमम बच्चों ने टिक किया, गलत है एकदम। पहले ये संख्या उतार लो, 3 0 है, मतलब 3 अंक आगे खिसकेगा दशमलव के बाद। 3 अंक, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, मतलब यहाँ लगना चाहिए था दशमलव, यहाँ आता 6367.0। ए इसका सही उत्तर है, और मैक्सिमम बच्चों ने बी पे भी टिक किया है। बी कैसे बेटा, अगर आप 6 से पहले लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, इसका मतलब आप 2 ही अंक खिसका रहे हो, पर यहाँ पे तो 3 0 है ना, 3 अंक आगे खिसकाना था। समझ में आया सभी को? सिर्फ 7 या 8 बच्चों ने आंसर सही किया है इसका, बाकी सब ने गलत किया है। या तो बी पे टिक लगा रहे हैं या डी पे टिक लगा रहे हैं। बताइए मुझे समझ में आया है नहीं आया ये क्वेश्चन? आगे किसका आना है, जितने जीरो है उतने आगे किसका दो। मैम जी मुझे ना ये दशमलव लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मतलब किधर। ये आपको समझ में आया किस तरफ को ले जाना है, दाईं तरफ को ले जाना है, इतना समझ में आया? यस मैम। बस 3 0 है, मतलब 3 अंक आगे। किससे आगे? दशमलव से 3 आगे। दशमलव कहाँ है? इधर है, इससे 3 आगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 आगे बेटा यहाँ होगा ना, 3 अंक आगे, ये तो हुआ 3 से पहले। यहाँ दशमलव लगे या पीछे जीरो लगा दो, तो यही तो आंसर आएगा। बताइए सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। चलिए मैं ना अभी फिलहाल होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ, बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो क्लास में रुक जाना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जोड़ और घटा वाले एक्सरसाइज है 21.1, 21.2, ये आपने करके लेके आना। जिसको नहीं समझ में आया वो क्लास में रुक जाओ, बाकी बच्चे जा सकते हैं।